अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टेस्टिक। कैसे हैं आप सब लोग? टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके साथ जो लुक शेयर करने लगी हूँ आईज की, वो है एक डे टाइम मेकअप लुक। क्योंकि डे टाइम में हम लोग को मेकअप करना समटाइम्स अजीब लगता है कि बहुत ज़्यादा आप मेकअप करना चाह रहे होते हैं लेकिन हैवी लुक कोई नहीं चाहता। तो आज मैं आपको बोल्ड शेड के साथ लाइट और सटल मेकअप कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे। आईब्रोज को आप कीजिए अच्छी तरह से फिल, लेकिन फिल इस तरह से करना है कि वो बहुत ही नेचुरल लगे, आपके हेयर्स के कलर्स के साथ जो उनका है वो मैच हो रही हो, जो आपका नेचुरल शेड है उससे थोड़ा सा डार्क कर टोन में जो उनका है वो जाइए, बहुत ज़्यादा डार्क में मत जाया कीजिए। और उसके बाद अपनी आईब्रोज़ को नीट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आईब्रोज़ को फिल करना। और यहाँ पर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर एज अ बेस, और प्राइमर को अच्छी तरह से स्मच करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी अपनी आँख पे अपने ही शेड के मुताबिक कंसीलर, ताकि जो भी कोई डार्कर एरिया है वो मेरा छुप जाए। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ट्रांसलूसेंट पाउडर, 2 सेकेंड के लिए उसको छोड़ेंगे। और यहाँ पे ब्रश की पकड़ने की टेक्निक ये है कि ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़िए, फ्रंट से ब्रश को बिल्कुल मत पकड़िए। बहुत ज़्यादा प्रेशर जब अप्लाई होता है तो कलर्स अच्छे नहीं लगते। तो जी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ कलर्स अप्लाई करना, और मैं यहाँ पर सबसे पहले क्रीज को फिल करूँगी बहुत ही लाइट सा न्यूडिश पिंक शेड से। और क्रीज में हमेशा अपना लाइट शेड ही सबसे पहले कलर जोन सा है वो अप्लाई कीजिए। डार्क कलर्स को अगर आपने सबसे पहला शेड जोन सा है वो अप्लाई किया तो आपको आगे के कलर्स मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो क्रीज में लाइट कलर अप्लाई करने के बाद अब मैं हल्के हल्के स्टेप से आगे बढ़ूँगी, और अभी मैं थोड़ा सा डार्क पिंक कलर लेकर जोन सा है वो अप्लाई कर रही हूँ क्रीज एरिया में भी, और कॉर्नर साइड पे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ भी रख रही हूँ, और अंदर की तरफ भी यही सेम कलर जोन सा है वो मैं लेकर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आँख से बाहर, मैंने आईब्रोज से बाहर मतलब मैंने कलर नहीं निकाला, जहाँ मेरी आईब्रोज एंड हो रही है वहाँ तक ही कलर जोन सा है वो मैंने अप्लाई किया है पिंक वाला। और अब मैं इसको एक कंसीलर की मदद से जोन सा है वो हल्का फुल्का सा कट क्रीज करूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 कलर्स जोन से हैं वो अप्लाई करने हैं। और एक कलर जोन सा है वो तभी अच्छा उठकर आता है जब आपने पहला कलर जोन सा है उसको कट किया हो। यहाँ पर अभी मैं थर्ड कलर जो है वो बहुत ही बोल्ड अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा कलर हैवी मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये डे टाइम मेकअप है और डे टाइम में बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर बहुत बुरा लगेगा। अभी यहाँ पर दोबारा से मैंने थोड़ा सा सेंटर में आईबॉल जहाँ पर होता है वहाँ पर मैंने लगाया है कंसीलर, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी एक ब्राउनिश गोल्ड सा कलर। डे टाइम लुक में मैं बहुत ज़्यादा गोल्ड की ब्राइट गोल्ड की तरफ नहीं जाऊँगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश गोल्ड कह लें या फिर कॉपर गोल्ड आप इस शेड को कह लीजिए, इस तरह के थोड़े से डार्क कलर जो उनसे हैं वो यूज़ कीजिए। और सेम शेड से जो सा है वो मैंने इनर आई कॉर्नर जो सा है वो बनाया है, और अपना आईब्रो के नीचे जो बोन एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा सा जो सा है वो सेम कलर से हाईलाइट दिया है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं दिया। और आँखों के नीचे जो आपका एरिया है उसको मैंने सेम पिंक कलर से ही जो सा है वो हल्के हल्के हाथों से इन्हेंस किया है, बहुत ज़्यादा डार्क डार्क कलर्स के अंदर मैं नहीं गई, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ये डे टाइम लुक है और डे टाइम लुक हल्के हाथों से ही अच्छी लगती है, जो हल्के हल्के से जोन सा है आपने कलर्स यूज़ किए हों। अभी मैं यहाँ पर फुल आई लुक जोन सा है वो आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा और आई लाइनर, और थोड़ी सी न्यूड शेड की जोन सी है पेंसिल मैंने इनर आइज़ के अंदर जोन सा है वो अप्लाई की है। और अभी यहाँ पर आप मेरी फाइनल लुक जोन सी है वो देख सकते हैं कि डार्क कलर्स यूज़ किए हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सटल लुक है, बिल्कुल नहीं लग रहा इतने हेवी शेड्स जो उनसे हैं वो लगे हुए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।